हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक्स जो कल इंट्राडे में हमको कुछ पैसा बना के दे सकते हैं और अगले एक से दो वीक में स्विंग ट्रेडिंग करके भी हम पैसा बना सकते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स क्या है दोस्तों? देखो, बहुत से लोग हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं अननोविंगली, जिनको नॉलेज पूरा नहीं है वो ट्रेड करते हैं और अपने पैसे को ख़राब करते हैं, लॉस में लेके जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है सर, आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप पौधा उगाइए और समय दीजिए उसको, जब फल आएंगे तो फल खाना प्रॉफिट के रूप में। तो हमारी कोशिश यही है कि मैं यहाँ पर वीडियो में आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँ जो स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के व्यू से हैं, और आप लोग भी उसको लाइक करते हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा जो 8500 जो सब्सक्राइबर हैं, ऑलमोस्ट 85 हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप अपने ब्रांड एम्बेसडर हो, ये चैनल आपका अपना ब्रांड है, तो आप इसको हेल्प कीजिए मेरी ग्रो करने में और मैं आपके हेल्प करूंगा कि हम अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लेके आएँ जो आपके पोर्टफोलियो में ग्रीनरी लेके आएँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना जो मिशन है उसको आगे बढ़ाते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर, और चलते हैं सीधे चार्ट्स पर। पहला चार्ट है दोस्तों IMF इंडियन मेटल्स। अब देखो, सिंपल चीज़ कर रहे हैं हम, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, स्टॉक 289 पे ट्रेड कर रहा है, 297 एक नेक्स्ट हडल जो नज़र आती है, तो ये हमारा नेक्स्ट पहला टारगेट भी 297 है। यहाँ से क्रॉस करेगा तो 315, 328 और 340 इन टारगेट के लिए आप IMF में स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से और इंट्राडे के पर्पज से भी आप ट्रेड कर सकते हो। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 277, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखना दोस्तों। इसको मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूँ और जब आपका मन करे इसको वीडियो को पॉज करके ये लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हो, मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स में भी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड स्टॉक है श्नाइडर इलेक्ट्रिकल। ये देखो, स्टॉक हमने कई बार डिस्कस भी किया है, शेयर भी किया है, इस पर इन्वेस्टमेंट भी की, ट्रेडिंग भी की है इस पर। आज क्यों कर रहे हैं हम डिस्कस इसको? आज इसलिए कर रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है दोस्तों इसके अंदर। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न का हम चार्ट कैसे पिक करते हैं? टारगेट के लिए हम इधर जाते हैं दोस्तों और ये चीज़ हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो क्या ये अपने को 20-30% रिटर्न दे सकता है? अगर दे सकता है तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और ट्रेड भी करेंगे। हो सकता है कि हमारे पोर्टफोलियो में हो पहले से ही, तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी हो पहले से ही। स्टॉक अभी ट्रेड करा 224 पे, ब्रेकआउट आ गया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, मार्केट हल्का सा डाउन लग रहा है, तो हो सकता है स्टॉक एक बार इन लेवल्स को चेक करने के लिए नीचे आए, एक बार चेक करने के लिए नीचे आए इस लेवल को। तो 207-208 का लेवल है, हम स्टॉप लॉस क्या रखना चाहेंगे? 196 का हम सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बचा भी रहे। रीटेस्ट करने आता है तो 200 से 205 तक हम इसको वापस से बाय भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करेंगे बहुत अच्छी बात है, बट रीटेस्ट करके स्टॉक जब ऊपर जाता ना तो वो मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी वो स्टेज बची हुई है, तो उसके लिए हम वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी रीटेस्ट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉक 224-225 पे ट्रेड कर रहा है, 240-255 और 270 इन टारगेट के लिए हम इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हो सकता है पहले से ही, तो अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपने कब और किस लेवल पे बाय किया था। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों DCX सिस्टम्स। अगेन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, अच्छा वॉल्यूम चल रहा है। आज की कैंडल काफ़ी अच्छी थी, अब ये एक रेंज थी, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो हमको लग रहा था कि ये रेंज से बाहर निकलेगा तो अच्छा लगेगा। इस रेंज से बाहर निकला है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ था, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। 203 रुपये पे ट्रेड करा, 200-203 रुपये के आसपास अगर अपने को मिले तो बाय करना है। 180 रुपीज़ का हमको स्टॉप लॉस लगाना है। इसको क्या कर रहे हैं हम? इसको कर रहे हैं रेड कलर में मार्क, ताकि हमको क्लियर लग जाए पता कि हमारा स्टॉप लॉस है 180। 220-250, 268-285 इन टारगेट के लिए आप DCX सिस्टम में निवेश कर सकते हो। और देखो, हमेशा कोशिश करना दोस्तों कि हम जो निवेश करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में भी करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस है, जो फार्मूला है उसको यूज करना है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफाई नहीं होगा पोर्टफोलियो
तो हम किसी एक या दो स्टॉक में अटक के रह सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सारा पैसा एक या दो स्टॉक में लगा देते हैं और वो उनको वेट करना पड़ता कब वो स्टॉक वापस ऊपर आएगा और कब वो, अब वो करते क्या है, जब वो बाय लेवल पे कॉस्ट प्राइस आएगा तभी एग्जिट कर जाते हैं। वो वहाँ चेक नहीं करते कि ब्रेकआउट है या नहीं है, वहाँ पे भी चेक करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट है तो वेट करना चाहिए ना, इतने समय से वेट किया तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं कि पैसा बने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप। हमने पहले जब ट्रेड किया था तो स्टॉक 1600 से 2000 का लेवल लेके गया था, अभी 1770 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। 1800 के ऊपर स्टॉक अपने को 1880, 1935, 2040 इन टारगेट के लिए हम गॉडफ्रे फिलिप में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहेंगे, एक वीक के से दो वीक के टाइम में। और हम साथ में स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे 1730 के लेवल, 1730 का लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस का है। और जैसे ये स्टॉक देखो, ये एक ना ब्रेकआउट भी आएगा यहाँ पे, कहाँ पे, इस रेंज का ब्रेकआउट जब यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा ना, ये 1960 या फिर 1950 का लेवल यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा, तो ये एक ब्रेकआउट भी आएगा। हमको वहाँ पे भी रिव्यू करना है इसको कि ये ब्रेकआउट हमारे लिए कितना काम का है। अगर काम का है तो हम इसको फर्दर अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक देखो, आपके लिए भी एक होमवर्क समझिए, डेल्टा कॉप। ये स्टॉक है डेल्टा कॉप, स्टॉक में ये एक रेंज का ब्रेकआउट है दोस्तों। ये देखिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, तो एक ये रेंज का ब्रेकआउट बिल्कुल वर्ज पे है ब्रेकआउट। डेली के बाद एक बार वीकली कैंडल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये रेंज थी, इस रेंज से बाहर निकला स्टॉक, ये रेजिस्टेंस जोन था जी, इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में स्टॉक। अब क्या आपको इसमें एक ये कोई पैटर्न है, इसको आप क्या बोलते हैं मुझे प्लीज़ बताइए। ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, हल्का सा करेक्ट भी होगा और फिर यहाँ पे जा सकता है। तो ये हमारे कुछ व्यू है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, मुझे डबल बॉटम लग रहा है। बट यहाँ पे एक RSI भी अच्छे अप मूव में है, स्टॉक भी हायर लो बना रहा है, तो ये ब्रेकआउट अगर मिलता है तो आपका जो स्टॉक डेल्टा कोप अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 236 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम स्टॉप लॉस रखेंगे 216 रुपये का, वीकली कैंडल पे बता दिया मैंने। अब इसको डेली कन्वर्ट करना चाहें तो देखो, ये यहीं पे स्टॉप लॉस बन रहा जी, 216 रुपये का यहीं पे स्टॉप लॉस बन रहा है। वापस वीकली चलते हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है चार्ट। तो डेल्टा कोप में हमारा पहला टारगेट, देखो शॉर्ट टर्म व्यू से करना चाहते हैं तो पहले हमको 255 चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हमको चाहिए 280 के बाद हमको चाहिए ये कैंडल का हाई 310 के बाद चाहिए हमने को 340। तो ये वो टारगेट्स हैं दोस्तों। इसके कलर को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये मिक्स हो रहा है, ले लीजिए। तो 240 इन टारगेट के लिए हम क्या डेल्टा कोप में निवेश कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप इसको प्लीज़ अपने तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आप डिस्कशन करने के लिए आप अपने चार्ट, ये जो अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ना, 2877 सब्सक्राइबर एट प्रेजेंट, तो इस वाले पे कमेंट सेक्शन में जाके आप किसी भी मैसेज का कमेंट कर सकते हो। जहाँ पे आज मैंने देखो थर्मेक्स का चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था डे टाइम में। और आज कुछ लोगों ने पूछा था कि आपके FNO ग्रुप में क्या चल रहा, तो उनके लिए मैं देखो ऑलमोस्ट रेगुलर अपडेट करता हूँ कि हम FNO ग्रुप है सर हमारा एक, उसमें हम चार पाँच कॉल हम डेली शेयर करते हैं। वहाँ पे एक दो कॉल हमारा लॉस भी हिट करती है एक, और बाकी कॉल्स अपने को पैसा भी बना के दे के जाती हैं। तो उन्हीं में से देखो कोई क्लाइंट है जो दिन में 26,000 रुपये बनाए जिन्होंने, तो मैं कह रहा हूँ जब एक बंदा बना सकता है, क्या बाकी लोग नहीं बना रहे होंगे, तो बना तो रहे हैं सब लोग। ये स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ हैं जो हम अपने दोस्तों को स्विंग ट्रेड वाले ग्रुप को शेयर करते रहते हैं, तो वो चीज़ भी आपके साथ मैंने शेयर की है। तो कमेंट में अपना व्यू डेल्टा कोप स्टॉक के ऊपर ज़रूर बताइए दोस्तों। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक्स सब्सक्राइब्स कमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइक्स
ऑक्सीजन के समान है सर। आपके जितने लाइक्स रहेंगे ना, यूट्यूब को भी पता चलेगा जी हमारा भी एक छोटा सा चैनल है जो कोशिश कर रहा है ऊपर बढ़ने की। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। हम कल फिर मिलेंगे दोस्तों।